नमस्कार, रिपब्लिक हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवदीप सेतिया। ये जो सियासत है सीरीज के अंतर्गत हम आपको हरियाणा के सियासी किस्से और कहानियों से रूबरू करवाते हैं, तो हरियाणा के रोचक सियासी तथ्यों के बारे में भी जानकारी देते हैं। आज आपको जानकारी देंगे हरियाणा के उन 8 नेताओं के बारे में जिनके पास कभी कांग्रेस की कप्तानी थी, लेकिन वे कांग्रेस में ही रहने वाले नेताओं की गुगली पर बोल्ड हुए और कांग्रेस को अलविदा कहने पर मजबूर हो गए। इन नेताओं में शामिल थे चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, भगवतदयाल शर्मा, राव निहाल सिंह, सुल्तान सिंह, धर्मपाल मलिक, वीरेंद्र सिंह और अशोक तंवर। ये 8 नेता कभी कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख रहे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। इनमें से चौधरी देवीलाल ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने साल 1971 में कांग्रेस को अलविदा कहा और उसके बाद कभी भी कांग्रेस में वापसी नहीं की। हालांकि चौधरी भजनलाल ने 2007 में कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और उन्होंने खुद का अपना हरियाणा जनहित कांग्रेस नाम से सियासी दल बनाया था। बाद में उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने हजका का विलय कांग्रेस में कर दिया था। भगवतदयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे। उनके पास संयुक्त पंजाब के समय कांग्रेस की कप्तानी थी, वे प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख थे और भगवतदयाल शर्मा के साथ भी एक ऐसा वक्त आया जब उन्हें कांग्रेस को अलविदा कहना पड़ा और वे 1986 में जब चौधरी देवीलाल न्याय युद्ध चला रहे थे तो उनके पाले में चले गए थे। इसी तरह से 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले सुल्तान सिंह भी किसी वक्त कांग्रेस में बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उनके साथ भी एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा और वे भी भगवतदयाल शर्मा की तरह साल 1986 में चौधरी देवीलाल के साथ हो गए थे। राव निहाल सिंह करीब 5 वर्ष तक कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे और उन्होंने भी एक वक्त कांग्रेस को अलविदा कहा। इसी तरह से लगभग 40 साल तक चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस में रहकर सियासत की। वे 5 बार कांग्रेस से विधायक निर्वाचित हुए, हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके बेटे बृजेंद्र सिंह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से हिसार लोकसभा सीट से सांसद हैं। इसी प्रकार से अशोक तंवर ने 20 साल तक कांग्रेस में रहकर राजनीति की और वे करीब 5 साल 8 महीने तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख रहे, लेकिन साल 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चलते उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। कुछ समय पहले ही अशोक तंवर ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है। तो ये जो सियासत सीरीज के अंतर्गत आज आपको बताते हैं इन 8 ऐसे कप्तानों के बारे में जो कभी कांग्रेस में चौधरी थे, लेकिन उनकी कप्तानी जो है कांग्रेस के ही कुछ नेताओं की वजह से छिन गई और वे कांग्रेस के ही कुछ नेताओं की गुगली पर बोल्ड हो गए। हरियाणा की सियासत में दल बदलने का खेल नया नहीं है। राज्य गठन के बाद से ही हरियाणा में दल बदलने का खेल जारी है, पर हरियाणा में तो किसी पार्टी में कभी चौधरी रहने वाले नेताओं को भी दल बदलना पड़ा। इस लिहाज से सबसे अधिक दल बदलने का खेल कांग्रेस में हुआ। कांग्रेस से अपनी सियासी करियर का आगाज करने वाले कई नेताओं ने दूसरे दलों का दामन थामा। कांग्रेस से निकलकर बहुत से राजनेताओं ने तो अपना राजनीतिक दल भी खड़ा किया, पर कभी कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख रह चुके 8 बड़े नेताओं ने भी कांग्रेस से किनारा किया। इन 8 नेताओं में चौधरी देवीलाल, भगवतदयाल शर्मा, राव निहाल सिंह, सुल्तान सिंह, भजन लाल, चौधरी वीरेंद्र सिंह, धर्मपाल मलिक व अशोक तंवर के नाम शामिल हैं। इनमें से तो भगवतदयाल शर्मा और भजनलाल तो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री भी रहे, जबकि कांग्रेस छोड़ने के बाद चौधरी देवीलाल भी 2 बार मुख्यमंत्री बने। ये सभी 8 नेता कभी कांग्रेस के कप्तान रहे, पर कांग्रेस के ही कुछ नेताओं की गुगली पर ऐसे बोल्ड हुए कि कांग्रेस से किनारा करने को मजबूर हो गए। 20 साल कांग्रेस में रहने के बाद देवीलाल ने किया किनारा। चौधरी देवीलाल ने अपनी सियासत की शुरुआत कांग्रेस से की। 1952 में कांग्रेस के टिकट पर वो सिरसा से विधायक चुने गए। 1952 से 1956 तक वो संयुक्त पंजाब के समय प्रताप सिंह कैरू की सरकार में संसदीय सचिव रहे, जबकि 1956 से 1958 तक वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 1962 में फतेहाबाद से विधायक चुने गए और 1959 में सिरसा से विधायक निर्वाचित हुए। साल 1968 में चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बने और उन्होंने चौधरी देवीलाल को खादी बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया। उसके बाद से ही चौधरी देवीलाल कांग्रेस में असहज महसूस कर रहे थे।
हालांकि देवीलाल बंसीलाल से काफी वरिष्ठ और अनुभवी थे। ऐसे में देवीलाल को बंसीलाल के नीचे काम करने में दिक्कत हो रही थी। साल 1968 से 1970 तक देवीलाल खादी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। 1971 में देवीलाल ने कांग्रेस छोड़ दी, पहले एक मंच बनाया और उसके बाद देवीलाल जनता पार्टी के संग जुड़ गए। जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव में 90 में से 75 सीटों पर जीत दर्ज की और देवीलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद देवीलाल 1987 में मुख्यमंत्री रहने के अलावा दो बार देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। कांग्रेस से किनारा करने के बाद चौधरी देवीलाल ने पहले जनता पार्टी के साथ मिलकर राजनीति की। लोकदल, समता पार्टी, हरियाणा राष्ट्रीय लोकदल जैसे संगठनों में रहकर अपनी सियासत को आगे बढ़ाया। जब कांग्रेस छोड़ देवीलाल के पाले में आए भगवत दयाल शर्मा, वहीं राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे भगवत दयाल शर्मा भी प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख रहे। शर्मा ने भी एक समय कांग्रेस को अलविदा कह दिया और चौधरी देवीलाल के साथ चले गए। पंडित भगवत दयाल शर्मा संयुक्त पंजाब के समय 6 अगस्त 1966 को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 18 नवंबर 1966 को इस पद पर रहे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इस पद पर 24 मार्च 1967 को रहे। राव वीरेंद्र सिंह और देवीलाल ने उनकी सरकार गिरा दी थी। भगवत दयाल शर्मा 1968 से 1974 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1977 में उड़ीसा के राज्यपाल बने, बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। उनके सियासी जीवन में एक ऐसा वक्त आया जब भगवत दयाल शर्मा बिल्कुल टूट चुके थे। 1968 में देवीलाल की ओर से चलाए जा रहे न्याय युद्ध के दौरान भगवत दयाल शर्मा ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और देवीलाल के साथ आ गए। राव निहाल सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ी। इसी तरह से हरियाणा की पहली सरकार में मंत्री रहे और बाद में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने राव निहाल सिंह ने भी एक समय कांग्रेस से किनारा कर लिया। राव निहाल सिंह चौधरी बंसीलाल के नेतृत्व वाली हरियाणा विकास पार्टी में शामिल हो गए। राव निहाल सिंह 11 दिसंबर 1972 से लेकर 4 जुलाई 1977 तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो 1966 से 1967 तक मंत्री भी रहे। पंजाब विधानसभा के सदस्य रहने के अलावा राव निहाल सिंह 1972 में महेंद्रगढ़ से जबकि 1977 में अटेली से विधायक चुने गए। 1991 में राव निहाल सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी और हबीपा में शामिल हो गए। 1991 का चुनाव अटेली सीट से हबीपा की टिकट पर लड़ा और हार हुई। सुल्तान सिंह ने भी कहा था कांग्रेस को अलविदा। सुल्तान सिंह 8 नवंबर 1978 से लेकर 2 नवंबर 1979 तक और उसके बाद 11 जून 1982 से लेकर 8 अक्टूबर 1985 तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो 1989 से 1990 तक त्रिपुरा के राज्यपाल भी रहे, 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे और संयुक्त पंजाब के समय विधानसभा के सदस्य भी रहे। सुल्तान सिंह ने भी 1986 में कांग्रेस से किनारा कर लिया और चौधरी देवीलाल के पाले में आ गए। हुड्डा के चलते चौधरी भजनलाल को भी कांग्रेस छोड़ने पड़े। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके चौधरी भजनलाल के जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब उन्हें कांग्रेस से किनारा करना पड़ा। भजनलाल ने करीब 4 दशक तक कांग्रेस में रहकर सियासत की। 2007 में भजनलाल को कांग्रेस से अलविदा कहना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भजनलाल 1 अगस्त 2002 को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 2005 तक इस पद पर रहे। वो 2000 से लेकर 2005 तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। भजनलाल के नेतृत्व में ही साल 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 67 सीटों पर जीत दर्ज की। तमाम कयासों और अटकलों के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने भजनलाल की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया। रोचक बात यह है कि हुड्डा ने विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा। भजनलाल की नाराजगी दूर करने को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने कालका से विधायक चुने गए भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन को हुड्डा सरकार में उप मुख्यमंत्री भी बनाए। भजनलाल की नाराजगी बनी रही और 2 दिसंबर 2007 को भजनलाल और उनके छोटे बेटे कुलदीप वैष्णोई ने
कांग्रेस छोड़ते हुए हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन कर दिया। हालांकि इसके कुछ समय बाद कुलदीप बिश्नोई ने घर वापसी को ही मुनासिब समझा और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। भजनलाल के साथ ही कांग्रेस से किनारा कर गए मलिक। इसी तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे धर्मपाल मलिक भी कांग्रेस से किनारा कर गए और भजनलाल की हजकाक में चले गए। धर्मपाल मलिक 11 अप्रैल 1992 से लेकर 27 फरवरी 1997 तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1984 से 1989 और 1991 से 1996 तक सोनीपत से सांसद चुने गए। 1984 के चुनाव में उन्होंने चौधरी देवीलाल को सोनीपत सीट से हराया था। 2005 में वो गोहाना से विधायक चुने गए। धर्मपाल मलिक भजनलाल के सबसे वफादार नेताओं में शुमार रहे। यही वजह रही कि जब चौधरी भजनलाल ने कांग्रेस से किनारा करके हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किया तो मलिक ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और वो भजनलाल के साथ चले गए। वीरेंद्र सिंह का भी हुआ मोहभंग। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके एक बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी कांग्रेस से मोहभंग हुआ और उन्हें आखिरकार इस पार्टी से किनारा करना ही पड़ा। 4 बार कांग्रेस से विधायक रहे और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे वीरेंद्र सिंह भी करीब 42 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद 16 अगस्त 2014 में जींद की एक रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। वीरेंद्र सिंह साल 1977, 1982, 1991, 1996 और 2005 में उचाना कला से विधायक चुने गए। वीरेंद्र सिंह युवा राजनीति में सक्रिय हुए और सबसे पहले वो युवा कांग्रेस जींद के प्रधान बने। 1977 से लेकर 1982 तक वो कांग्रेस के जिला प्रधान रहे। 1980 से 1982 तक वो युवा कांग्रेस के महासचिव रहे। इसके बाद तो वीरेंद्र सिंह का कद संगठन में लगातार बढ़ता गया। खासकर 1977 में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वीरेंद्र सिंह राजनीति में एक बड़ा नाम बन गए। कांग्रेस को 1977 में महज 3 सीटों पर जीत मिली और उनमें से जीतने वाले एक विधायक वीरेंद्र सिंह भी थे। 1985 से 1986 और उसके बाद 1990 से 1992 तक वीरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तंवर को इसलिए छोड़नी पड़ी कांग्रेस। चौधरी भजनलाल के बाद डॉक्टर अशोक तंवर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष रहे जिन्हें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चले विवादों की वजह से कांग्रेस का त्याग करना पड़ा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर अशोक तंवर ने करीब 2 दशक तक कांग्रेस में रहकर सियासत की। इसके बाद कांग्रेस से किनारा कर लिया। जनवरी 2005 में डॉक्टर अशोक तंवर को युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और वर्ष 2009 के संसदीय चुनाव में डॉक्टर अशोक तंवर सिरसा से सांसद चुने गए। इसके बाद 2014 में वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और इसके बाद उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टकराव का दौर शुरू हो गया। 2019 के विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले उन्हें हटाते हुए कुमारी सैलजा को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो तंवर बागी हो गए और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस के खिलाफ प्रचार भी किया। काफी समय तक फ्रीलांस सियासत करने के बाद फरवरी 2021 में उन्होंने अपना भारत मोर्चा बनाया। अभी हाल ही में डॉक्टर अशोक तंवर बंगाल की मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी के नेतृत्व में TMC में शामिल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।